दोस्तों, अगर आपने अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी को 30 सितंबर से पहले पहले नहीं कराया तो आपका राशन कार्ड किसी भी समय रद्द कर दिया जाएगा। हो सकता है राशन कार्ड से मिलने वाली और भी सारी सुविधाएं आपकी बंद कर दी जाएं। तो अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 2 दिन के बाद आपके राशन कार्ड की ईकेवाईसी अगर नहीं हुई तो आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको अपने मोबाइल से ही घर बैठे अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी को कैसे करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरीके से आप घर बैठे ही मोबाइल से राशन कार्ड की ईकेवाईसी को कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर डगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम राशन कार्ड में ईकेवाईसी करके देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी को कराना है अपने कोटेदार के पास जाकर, तो सबसे पहले आपको यहां पर इस तरीके की मशीन देखने को मिलेगी कोटेदार के पास। तो अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं ईकेवाईसी कैसे की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कोटेदार आपका इस बॉक्स में राशन कार्ड नंबर डालेगा। तो यहां पर राशन कार्ड नंबर डाल दिया गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे राशन कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आगे के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग चलेगी। लोडिंग चलने के बाद यहीं पर सब कुछ बता देगा कि आपके राशन कार्ड में कितने सदस्य हैं। आप देख पा रहे हैं कितने राशन कार्ड में सदस्य हैं, किन किन की ईकेवाईसी हो चुकी है या नहीं। जिनके नाम के आगे यहाँ पर ग्रीन कलर का बटन आ रहा है उस पर लिखा है हाँ, तो इनकी राशन कार्ड की ईकेवाईसी हो चुकी है। और जिनके नाम के आगे यहाँ पर नहीं लिख के आ रहा है, रेड कलर का बटन है, तो इनकी राशन कार्ड की ईकेवाईसी नहीं हुई है। तो हम इन्हीं लोगों की राशन कार्ड की ईकेवाईसी आपको कर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम इस नाम की राशन कार्ड की ईकेवाईसी करेंगे। तो यहाँ पर इस नाम के आगे यहाँ पर चैन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर प्रमाणित करे का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर प्रमाणित करे के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, सहमत करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लोडिंग चलेगी और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपको फिंगर रखना है, ठीक है, फिंगर पूरा रखना है। उसके बाद यहाँ पर रखने के बाद यहाँ लोडिंग चलेगी और लोडिंग चलने के बाद यहाँ पर तुरंत बता देगा कि राशन कार्ड की ईकेवाईसी हो चुकी है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने देखा, फिंगरप्रिंट लगाने के बाद लोडिंग चली, उसके बाद यहाँ पर लिखकर आ गया है जैव प्रमाणिक सत्यापन, मुखिया सदस्य का ईकेवाईसी प्रमाणीकरण सफलतापूर्वक कर दिया गया है, यानी कि राशन कार्ड की ईकेवाईसी हो चुकी है। यहाँ पर सही के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस नाम के आगे भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अभी रेड कलर से नहीं लिख के आ रहा था, अब इस नाम के भी आगे रेड कलर से नहीं बल्कि ग्रीन कलर से हाँ लिख के आ गया है। तो इसी तरीके से अपने कोटेदार के पास जाकर आपको एक एक करके अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी को करा लेना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको अपने कोटेदार के पास जाकर ईकेवाईसी कैसे कराना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दिया हूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे और आपने इसी तरीके से अपने कोटेदार के पास जाकर अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी को करा लिया हो तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपकी ईकेवाईसी हो चुकी है और यहाँ पर तुरंत की तुरंत दिखा देगा कि आपके राशन कार्ड की ईकेवाईसी हो चुकी है। तो दोस्तों आप अगर कहीं पर भी हो, अगर आपका राशन कार्ड यूपी यूके कहीं का भी बना हो, अगर आप कहीं काम करने गए हो तो आप अपने नज़दीकी किसी भी राशन कार्ड की दुकान पर जाकर अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी को करा सकते हैं। कोई भी बंदा आपसे मना नहीं कर सकता है, बस आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है और आपके फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपको मोबाइल ओटीपी की भी जरूरत पड़े तो आपको अपना मोबाइल साइट में ले जाना है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अपने राशन कार्ड की ईकेवाईसी को आपको कोटेदार के पास कैसे कराना है। अगर आप ये सब कुछ समझ गए हो, लाइव प्रूफ देख लिया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिस्टर डगर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।